हेलो स्टूडेंट्स दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अभ्यास सीरीज़ के दौरान आपको जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो कि इस साल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है तो मैं लेकर आई हूँ डिजीज़ चैप्टर से अपना दूसरा वीडियो जिसमें मैंने एन और सी से रिलेटेड जो एम सी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन पर ये पूरा वीडियो बनाया है तो इससे आपको एक फायदा होने वाला है कि प्रीवियस के आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आइए चलते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ ये क्वेश्चन 2019 के पहले पेपर में आया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेनिसिलिन इज करेक्ट पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन स्टोर दिस एंटीबायोटिक इन वैक्यूल पेनिसिलिन रेजिस्ट बैक्टीरिया कैन डिग्रेड दिस एंटीबायोटिक बाई एन एंजाइम कॉल्ड बीटा लेक्टामिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन डिग्रेड दिस एंटीबायोटिक बाय एंजाइम कॉल्ड लेक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस पेनिसलिन इज नॉट एब्सॉर्ब बाय बैक्टीरिया सो मोस्ट बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है बेटा कि पेनिसिलिन के बारे में हमें ये बात लर्न कर लेनी है कि जो पेनिसिलिन है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो ये जो पेनिसिलिन है इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी तो जब ये खोजी गई थी अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने एंटीबायोटिक्स का इजाद किया था और उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया था तो जब शुरुआत में इसका जब डिस्कवर हुआ ये जब बनाया गया इसको तो ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के नाम से जाना जाता था ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो कई सारी बीमारियों के लिए काम आ सकते हैं लेकिन बाद में क्योंकि हर जगह एवोल्यूशन हो रहा है और बैक्टीरिया ने भी क्या किया पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया तो दो तीन ऑप्शन आपको उससे बना करके यहाँ पर दिए गए हैं और बात की गई है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के बारे में तो फर्स्ट जो ऑप्शन है पेनिसिलिन रजिस्टर्ड बैक्टीरिया कैन स्टोर दिस एंटीबायोटिक इन वैक्यूल तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है क्योंकि ऐसा नहीं होता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको वैक्यूल में स्टोर नहीं कर सकते हैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन डिग्रेड दिस एंटीबायोटिक बाय एन एंजाइम कॉल्ड बीटा लेक्टामेज तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है लर्न कर लेना है कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है तो उन्होंने ये रेजिस्टेंस कैसे डेवलप किया उन्होंने एक एंजाइम बनाना शुरू किया जो कि पेनिसिलिन के जो आ, है उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है और इस वजह से बीटा लेक्टामेज तो ये एंजाइम आप लर्न कर लीजिए कि पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एक तरह का एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं बीटा लेक्टामेज और ये इस एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से जो पेनिसिलिन है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है और बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता है थर्ड ऑप्शन जो आपको दिया गया है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन डिग्रेड पेनिसिलिन बिकॉज दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस तो ये गलत है क्योंकि लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस तो लैक्टिक एसिड को ही बेकडाउन कर सकता है लिखा हुआ है वहां पर पेनिसिलिन इज नॉट एब्सॉर्ब बाय बैक्टीरिया सो मोस्ट बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट नहीं हम ऑलरेडी कह सकते हैं कि पेनिसिलिन क्या है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ठीक है तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इज करेक्ट जब मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चे पूछते हैं कि मैम इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं तो ये जो सीरीज बनाई गई है हर टॉपिक पर इसलिए बनाई गई है ताकि आपको पता चल जाए कि सिंपल क्वेश्चन को भी स्टेटमेंट वाइज बना करके कैसे ट्विस्ट एंड टर्न किया जा सकता है देखिए बात करते हैं हम कोलेरा से रिगार्डिंग स्टेटमेंट यहाँ पर बनाए हुए हैं कोलेरा इज़ अ डिजीज़ दैट कॉज इज़ लॉस ऑफ मेमोरी तो लॉस ऑफ मेमोरी जो है वो ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आएंगे जो नर्वस सिस्टम को बैक्टीरिया इन्फेक्ट इन, करते हैं वो कॉज कर सकते हैं मेमोरी लॉस कोलेरा इज अ डिजीज ऑफ मसल्स ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एल्कोहल तो ये बिल्कुल ही गलत पॉइंट आपको दिया हुआ है कोलेरा एक बैक्टीरिया बाउंड डिजीज है और कोलेरा का जो बैक्टीरिया होता है लर्न कर लीजिए दैट इज कॉल्ड एज विब्रियो कॉलेरी ये विव्रियो कॉलेरी जो बैक्टीरिया होता है वो कोलेरा कॉज करता है तो अल्कोहल से नहीं होती है ये बीमारी कोलेरा इज अ डिजीज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर तो जैसे मैंने कहा कि इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया मोड ऑफ इन्फेक्शन से आपको ये क्वेश्चन बना करके दे दिया गया है कि कोलेरा का मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अच्छा फोर्थ ऑप्शन दिया है कोलेरा इज अ जेनेटिक डिजीज तो आप सभी जानते हैं कोलेरा जेनेटिक डिजीज नहीं है तो राइट right ऑप्शन आपका जो बनेगा वो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 के सेकंड पेपर से लिया हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियम दैट कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी तो पहचानना है हमें कि इनमें से कौन सा क्या है बैक्टीरिया है तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यदि हम जो फर्स्ट लिस्ट है जिसमें हमने बैक्टीरियल वायरल हेलमि डिजीज की थी उसी फ्लो चार्ट से आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है joyster, ये जो है वो एक तरह का वायरस है ट्रिपनोसोमा गैम्बियसिस एक तरह का प्रोटोजोआ है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी तो देखो टाइफी लिखा हुआ है ये एक तरह का बैक्टीरिया है और ये जो बैक्टीरिया होता है वो एक तरह की डिजीज़ कॉज करता है जिसको हम टाइफाइड कहते हैं बहुत ही कॉमन बीमारी है और ज़रूर हो जाती है किसी ना किसी को फिर है प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम तो प्लाज्मोडियम फेल्सिपैरम भी एक प्रोटोजोआ होता है तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर सी दैट इज़ सॉल्मोनेला टाइफी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस इज नॉट ट्रू बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये कि वायरस के संबंध में स्टेटमेंट बना करके आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं ऑप्शंस क्या हैं आपके वायरसेस नीड लिविंग सेल्स टू रिप्रोड्यूस ऑल वायरसेस आर पैरासाइट वायरसेस कैन सिंथेसाइज देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस वायरसेस आर सिमिलर टू केमिकल सब्सटेंस आउटसाइड द होस्ट तो क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अब हमने जब वायरस के बारे में बात की थी तो हमने कहा था कि वायरसेस जो होते हैं दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती हैं। इनके कुछ कैरेक्टर्स नॉन लिविंग से मिलते जुलते हैं जैसे आउटसाइड द बॉडी ये क्या होते हैं दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस कर सकते हैं तो ये कैरेक्टर क्या है नॉन लिविंग कैरेक्टर्स है जितने भी वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं पैरासाइट होते हैं क्योंकि इनके पास अपनी मेटाबोलिक मशीनरीज नहीं होती है इसीलिए ये किसी ना किसी सेल की या होस्ट की जो मेटाबोलिक मशीनरीज है उनका इस्तेमाल करते हैं अच्छा जो सी ऑप्शन दिया हुआ है वायरसेस कैन सिंथेसाइज देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस तो सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों ये एक वाइटल प्रोसेस है और वाइटल प्रोसेस हमेशा किस में होगी जिनके अंदर सारी की सारी उससे रिलेटेड मेटाबॉलिक मशीनरीज होंगी और जो क्या होंगे लिविंग होंगे और लिविंग कहाँ से स्टार्ट होंगे लिविंग स्टार्ट होंगे सेल से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम से ठीक है तो चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल और हम जान हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं प्लांट्स और सर्टेन बैक्टीरिया ठीक है यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए सेलुलर मशीनरी का होना बहुत जरूरी है तो रॉन्ग आंसर हमारा जो है स्टेटमेंट यहां पर वो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग डिजीज में कॉज्ड बाय द डेफिशियसी ऑफ विटामिन सी तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि विटामिन और मिनरल्स डेफिशियंसी डिजीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको बहुत अच्छे से कर रहा है विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ आपसे पूछी गई है रिकेट्स के बारे में बात करें तो रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड कैल्शियम डेफिशिएंसी डिजीज होता है और किस पे होता है ये होता है चाइल्ड child में चिल्ड्रंस में रेबीज जो है वो एक वायरल डिजीज है तो ये भी जो है विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है हिपेटाइटिस भी एक वायरल डिजीज़ है और स्कर्वी जो है वो विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ है तो राइट right आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वायरसेस से रिलेटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन वायरसेस यानी कि ये बता रहा है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं जो मेडिसिन हैं जो हम क्योर के लिए देते हैं वो वायरसेस पर क्या इफेक्ट पैदा करती है वायरसेज आर नॉन लिविंग इंटाइटिटीज बट इट कैट इंटरैक्ट विद एंटीबायोटिक्स यदि वो नॉन लिविंग है तो वो एंटीबायोटिक के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि एंटीबायोटिक क्या है ऐसे सब्सटेंसेज हैं ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि कहाँ से निकाले जाते हैं ये निकाले जाते हैं बैक्टीरिया एंड फंगाई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और ये क्या करते हैं अदर बैक्टीरिया और फंगाई को अदर बैक्टीरिया एंड फंगाई को क्या कर देते हैं किल कर देते हैं तो ये जो है वो लिविंग सब्सटेंसेस से निकाले जाते हैं टेकिंग एंटीबायोटिक्स क्योर वायरल इन्फेक्शन तो हम पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था ये ये जो क्वेश्चन था कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ किस पर कारगर होती हैं बैक्टीरिया और फंगाई पर वो वायरल इन्फेक्शन के लिए कारगर नहीं होती हैं वायरसेज डू नॉटर्जेज मेटाबॉलिक पाथवे ऑन विच एंटीबायोटिक कैन फंक्शन वेयर इज बैक्टीरिया हैच पाथवे तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट यही है कि जो वायरसेस होते हैं उनके पास पे क्योंकि वो टॉट लिविंग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यदि वो होस्ट की बॉडी से बाहर हैं तो उनके पास ज्यादा मेटाबॉलिक मशीनरीज नहीं होती हैं इसीलिए एंटीबायोटिक उनको किल नहीं कर पाती हैं जबकि बैक्टीरिया और फंगस के पास में मेटाबॉलिक मशीनरी होती है जिसके सर्टेन पाथवेज को वो क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल तो प्लीज इसको नोट no डाउन करेंगे आप सभी लोग कि वो कौन सा पाथवे है जिस पर एंटीबायोटिक अफेक्ट डालती हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल और आप सभी जानते हैं बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरामिक एसिड की बनी हुई सेल वॉल होती है और फंगस में काइटीन की बनी हुई सेल वॉल होती है यानी कि सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया और फंगस रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे डेवलप नहीं हो पाएंगे और लास्ट जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है वायरसेस आर रेजिस्टेड टू एंटीबायोटिक्स ये भी रॉन्ग है कि ऐसा कोई रेजिस्टेंस उनका नहीं होता है तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाईली इन्फेक्शियस डिजीज स्मॉल पॉक्स यानी कौन सा वायरस स्मॉल पॉक्स फैलाता है तो आ, एडिनो वायरस हमने देखा है कि एडिनो वायरस जो है वो आ, नोस्ट्रेल से रिलेटेड मतलब नेजल पेसिस में ब्लॉकेज वगैरह स्टार्ट कर देता है या ये लंग्स में इन्फेक्शन पैदा कर देता है तो ये एडिनो वायरसेस जो हैं वो कुछ कॉमन कोल्ड एंड फ्लू जैसे इफ़ेक्ट डालते हैं वेरियोला वायरसेस इसका इसका सही आंसर हमारा बनता है वेरियोला वायरस जो कि स्मॉल पॉक्स कॉज करता है वेरियोला वायरस आप लर्ट कर लीजिए एच ई वायरस जो होता है वो स्टमक इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यानी स्टमक में आपके इन्फेक्शन हो रहा है तो वो एच ई वायरस से होता है इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनेलिस बोलते हैं यानी कि पेट में यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनेलिस होता है जो कि वायरस की, की वजह से यदि है तो एच ई वायरस है और कॉगजे की वायरस जो होता है वो आ, कुछ सेक्शुअल uh, पर पैदा करता है ठीक है तो uh, ये जो ऑप्शन हमारा बन रहा है वो ऑप्शन बन रहा है हमारा बी caused ऑफ द bacterial pathogen? तो फिर से हमें सिंपल बैक्टीरियल पैथोजन आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग uh, डिजीज का एड्स जो वायरल डिजीज है डेंगू जो है वो वायरल डिजीज है कोविड 19 भी वायरल डिजीज था टाइफाइड फीवर तो अभी हमने डिस्कस किया था साल्मोनेला टाइफी तो देखिए कई बार क्या होता है ना कि बहुत कॉमन डिजीजेस से ही आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं इसको एक बार आपको जो पैथोजन है उसका नेम से पूछ लिया गया दूसरा आपको सिर्फ सिंपल ये पूछ लिया गया कौन सी बैक्टीरियल या कौन सी वायरल डिजीज है तो है बहुत सिंपल लेकिन आपको एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अस मैच तो यहाँ पर कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है वो मिसमैच है तो यहाँ पर भी उसी के रिलेटेड बात की गई है टाइप ऑफ पैथोजन एड्स जो होता है वो बैक्टीरियल कॉम इन्फेक्शन होता है ऐसा लिखा जा रहा है लेकिन आप जानते हैं कि एड्स क्या है ये एक वायरल इन्फेक्शन है पोलियो वायरल इन्फेक्शन होता है पोलियो माइलेटिस वायरस के थ्रू होता है मलेरिया जो कॉज होता है वो होता है प्लाज्मोडियम के थ्रू और प्लाज्मोडियम हम डिस्कस कर चुके हैं क्या है एक प्रोटोजा है हेलमेंट एलिफेंट हेल्मिंथ हेलमेंथ इन्फेक्शन ऑप्शन बनाया हुआ है तो हम जानते हैं कि एलिफेंट जो है जिसको हम फाइलेरिएसिस भी कहते हैं और ये एक वॉम वॉम मतलब हेलमेंथ्स के थ्रू होता है और उस हेल्मिंथ का नाम है वूचेरेरिया ब्रैंकिफ्टाइक तो ये जो ब्यूचर एरिया है ये क्या है ये एक हेलमेंथ होता है तो बी सी डी ये राइट बैच किए हुए हैं जबकि ए जो है ऑप्शन एड्स बैक्टीरियल डिजीज बताया हुआ है जो कि एक बिस्मैच है तो ऐसे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं इस चैप्टर से पढ़ते रहिए रिवाइज करते रहिए दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस अकेडमी देहरादून गुड बाय